ये जो है मैं आपको बता चुका हूं कि आर इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर टी मान लेते हैं, टी टेम्परेचर है, ये होता है आर नॉट वन माइनस अल्फा टी, वन प्लस माइनस अल्फा टी होता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, चालक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चालकों में क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ने लगेगा। अगर मैं इसको ग्राफ खींचूं है ना, टेम्परेचर के हिसाब से इसमें ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से कुछ बनता है ग्राफ, ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। देखिए ये जो है ये आपका शो कर रहा है आर नॉट, ये जीरो टेम्परेचर, मान लेते टेम्परेचर यहाँ बढ़ा रहे हैं टी, और ये हमारा रेजिस्टेंस आर। तो ये जो है ये ग्राफ आपको शो कर रहा है वाई बटे एम एक्स प्लस सी लाइन है ये लाइन में। तो देखिए ये ग्राफ इस तरीके से वेरी करता है। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर टी क्या है, टी इज टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर, अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशियंट है, टेम्परेचर कोफिशियंट है। अब देखिए यहां पर मैं बात करता हूं ये आर नॉट की, आर नॉट क्या है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, देखिए माइनस 273 डिग्री सेल्सियस या जीरो डिग्री केल्विन को हम बोलते हैं परम शून्यता, शून्यता एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये आर नॉट उसको शो कर रहा है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको यहां पर दिखाया गया। तो देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है इसमें, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये बढ़ गया है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको यहां पर नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हमने देखा किस पर, कंडक्टर्स पे। अब दूसरा देखते हैं हम लोग यहां पर आगे, अगर मैं इसी में बात करूं, इसी में बात करूं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स इसको बोलते हैं अर्धचालक, अर्धचालक में क्या पड़ता है, ये वन माइनस अल्फा टी होता है। ये समय के साथ इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान इसमें कम होने लगता है, इस तरीके से। इसमें अगर मैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच यदि ग्राफ खींचूं तो इस तरीके से ये मिलता है, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इस तरीके से मिलेगा इसका ग्राफ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, या इसको इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मतलब वहां पर देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है किसके लिए है, सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्टर्स के लिए ऐसा बना था, ये कंडक्टर्स के लिए ग्राफ था। अब देखिए अगर मैं तीसरा चीज देखते हैं हम लोग इसमें दूसरा है, अब अगर मैं इसमें बोलूं मिश्र, मिश्र धातु, मिश्र धातुओं में क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर इफेक्ट्स। तो मिश्र धातु में जो है, मिश्र धातु मतलब बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलॉयस, जैसे मैं अलॉयस में बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे हमारा नाइक्रोम होता है, निकिल क्रोमियम है ना, और बहुत सारे मैंगनीन, और ये बहुत सारे जो रहते हैं उसको हम क्या करते हैं एक दूसरे को मिलाए से। तो किसी भी एलॉय बनाने पर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो एलाइन करेंगे आप किसी भी दो धातुओं को मिलाएंगे आपस में तो हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये नोट कर लीजिए। एलॉइंग करने से रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, एलॉय करने से रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका एसएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी जेई एग्जाम में, कि एलॉइंग करने से क्या फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ना, ये क्वेश्चन मैं
एग्जाम देने गया था एसएससी में, तो उसने पूछा गया था कि अलाउइंग करने से क्या फर्क पड़ता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी अगर आप अलाउ बनाते हैं तो हमेशा रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट ही होगा, कभी डिक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा चीज जो भी हमारा अलॉय रहता है, जैसे कि हमारा अलॉय है नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ठीक है, ये जो तीन मेन अलॉय है इसका यूज हम करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है? जिस रेजिस्टेंस का मान टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है, वो हमेशा नियत रहता है। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड जैसे मैं बोलूं कि एक किलोग्राम, एक किलोग्राम के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड पैमाना बनाया है, तो उसके पैमाने को ही नापते हैं हम लोग। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का। इसको आप नोट कर लीजिए। इनका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें ये लगभग कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टेंस इसका जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ही कम इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इसलिए इसमें हम लोग जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं, प्रमाणिक प्रतिरोध बनाते हैं, उसमें हम यूज करते हैं मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। जनरली मैंग्नीन और कॉन्स्टेंटन का यूज करते हैं। आपके कॉलेजेस में भी अगर आपके स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो गए तो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन के हैं। मैंने अभी कॉलेज में मंगाया है, उसमें मैग्नीन का ही है जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है वो। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहां तक। चलिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ। तो यहां पर नहीं डालिए चीजें आप लोग, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? देखिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एक वर्जन बता रहा हूं, एक ऐसे समझने के लिए इसको थ्योरी बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए सुनिए। इसमें क्या हुआ था कि किरचॉफ ने दो नियम दिए। एक होता है किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल, एक दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ ने दो वोल्टेज दिया, चलिए उसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लेते हैं, मैं जस्ट इसको एग्जांपल के लिए बनाया था इसको ऐसे समझने के लिए। मान लेते हैं एक दिन ना जो है किरचॉफ जो है बाथरूम में था, उसने क्या किया, दो नल को इस तरीके से जोड़ दिया एक नल से, और उसको इस तरीके से नीचे में रख दिया एक बाल्टी। अब अगर मैं यहां से एक लीटर पानी डाला उसमें और यहां से फिर एक लीटर पानी डाला, तो यहां कितना मिलेगा हमको? दो लीटर पानी मिलेगा। बीच में कहां गायब होगा? एक पाइप यहां है, दूसरा पाइप यहां है, तो दोनों से अगर पानी डालूंगा तो जितना मैं पानी यहां डाल रहा हूं इतना डाल रहा हूं वही पानी नीचे मिलेगा। तो ये होता है किरचॉफ, बहुत ही आसान है। देखिए किरचॉफ क्या है कि जितना करंट हम देंगे उतना ही करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है किसी संधि पर। संधि नॉट संधि, संधि मतलब क्या, संधि भेंट करते हैं वो अलग चीज है, यहां संधि की बात कर रही है। देखिए संधि क्या चीज होता है ये समझते हैं। संधि क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जैसे दो पॉइंट्स हैं जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग संधि। कहीं पर भी टू पॉइंट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं संधि, ठीक है। चलिए मैं आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं। देखिए संधि है, देखिए ये एक नेटवर्क बना लेते हैं हम लोग, ये प्लस माइनस ये इस तरीके से, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग जैसे ए बी सी डी ई और एफ। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच हम कुछ भी चीज कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच। देखिए ध्यान से, ए बी एक ब्रांच है, उसी तरीके से ये ब्रांच वन है, ए बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये आर वन है,
ये आर टू है, ये आर थ्री है और ये आर फोर है और ये वोल्टेज है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप कुछ भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिए, इंडक्टर कनेक्ट कीजिए, कैपेसिटर कनेक्ट कीजिए, कुछ भी है जिस कनेक्ट कर दिया मैंने, तो इसे बोलते हैं हम लोग ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच, शाखा। ठीक है, शाखा। तो देखिए यहां पर एक ये ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है, ये तीसरा ब्रांच है, ये चौथा ब्रांच है और ये पांचवा ब्रांच है। ये ब्रांच है क्या? ये ब्रांच है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर बीच में कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है तो वो ब्रांच नहीं है। तो कनेक्टेड रहेगा उसको तो ब्रांच बनेंगे। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ब्रांच फाइव नंबर हो जाएगा। यहाँ पर टोटल ब्रांच कितने हैं? पर पांच। अब आगे देखिए, अगर मैं बोलू जो जहां पर दो ब्रांच मिलते हैं उसे हम संधि कहते हैं। जैसे तुम लोग गांव में जब शादी वादी होता है तो संधि भेंट भी होता है, संधि भेंट, संधि भेंट में दो लोग मिलते हैं, तो जहां पर दो लोग मिलेंगे उसको संधि, संधि बोलते हैं, नोड, संधि, संधि नोड, वेयर टू और मोर देन टू ब्रांच मीट्स। ठीक है, जैसे देखो ये एक ब्रांच और दो ब्रांच मिलकर यहां पर क्या है, एक ब्रांच और पहला पांचवा नंबर है यहां पर, यहां एक दो तीन मिनिमम दो होने चाहिए, दो से अधिक किरने में उससे मतलब नहीं। गले मिलने के लिए मिनिमम दो लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे आप पूरे के पूरे मिलो। तो देखिए ये नेक्स्ट, ये तीसरा और ये चौथा, तो यहां पर कुल कितनी संधियां हैं? तो क्या कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। ये संधि नहीं होगा, ये भी संधि होगा, क्योंकि यहां पर कोई ब्रांच दो ब्रांच नहीं मिल रहा है ना। नेक्स्ट नोट के बाद जंक्शन, जंक्शन, जंक्शन किसे बोलते हैं? वेयर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस आर मीट्स, जहां पर तीन और तीन से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे बोलते हैं हम लोग जंक्शन। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो छत्तीसगढ़ में कितने जंक्शन है? चार जंक्शन है। कौन कौन सा जंक्शन है? देखिए जंक्शन यहां पर जैसे चापा जंक्शन है, बिलासपुर जंक्शन है, देखिए बिलासपुर जंक्शन है, बिलासपुर जैसे यहां से जहांगीर रायगढ़ तरफ से आप जा रहे हैं तो इसके बाद कटनी लाइन और रायगढ़ लाइन, रायपुर लाइन, तो जहां से होकर तीन रास्ते निकलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग जंक्शन। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपका आया है यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, जहां पर तीन या तीन से अधिक ब्रांच मिलेंगे उन्हें हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखिए जंक्शन कितने हुए? यहां पर ये एक जंक्शन हुआ और एक दो जंक्शन हुआ, तो नंबर ऑफ जंक्शन कितने हुए? टू। ठीक है, तो जंक्शन कितने हो गए हमारे पास? दो। अब जंक्शन के बाद आगे देखते हैं हम लोग लूप। ये लूप क्या चीज है? लूप मतलब होता है बंद घेरा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हिंदी में लूप, इंग्लिश में बोलते हैं लूप और हिंदी में बोलते हैं जाल। नंबर ऑफ पॉसिबल क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड लूप। ये डेफिनेशन आप लिखते जाइए। बच्चे नोट्स कैसे बनाएंगे? सर आप वीडियो में आपका चल रहा है तो कैसे बनाएंगे बोल रहे थे, तो भैया वीडियो को पॉज कर लो, क्या आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए भैया अच्छे से। आप नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका एक कंसेप्ट अभी तो आपके पास क्लियर है लेकिन आप एग्जाम तक जाते जाते भूल जाएंगे। तो अच्छे से नोट बनाइए जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो लूप देखिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल क्लोज पाथ इज कॉल्ड लूप। नंबर ऑफ पॉसिबल, देखिए लिखते रहिए, पॉसिबल क्लोज पाथ इज कॉल्ड लूप। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं वो लाइव रहेगा आपका आज, है ना, तो लाइव सेशंस में आप डाउट्स आपके कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये नंबर ऑफ पॉसिबल क्लोज पाथ इज कॉल्ड लूप, मतलब हमको डिब्बा बनाना है। ठीक है, ए से चालू किया मैंने, ए बी सी डी, इस तरीके से पूरा यहां बन जाएगा। तो ये ए से चालू किया, ए बी, उसके बाद क्या है, ई एफ, फिर कहां तक गया, ए तक, तो ए बी एफ ए क्या हो जाएगा, लूप होगा। अब देखिए बी सी डी ई बी, बी सी डी ई और ये बी, ये भी एक लूप होगा। अगर मैं बड़े से सेक्शन की बात करूं, देखिए यहां पर ए बी सी डी ई एफ,
ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, फिर वो वापस आ गए ए में। तो ये पूरा बक्सा बनाना है हमको इस तरीके से, अगर जितने भी नंबर आप बॉक्सेस बनेंगे वो सभी को हम लोग बोलेंगे लूप। तो नंबर ऑफ पॉसिबल क्लोज पाथ को हम लोग बोलते हैं लूप। तो यहां पर लूप कितने हैं, यहां पर तीन है लूप है, एक दो और तीन, तीन लूप है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग लूप के बाद होता है एक होता है मेस, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारा मेस का, मेस। अब मेस क्या चीज है, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं मेस। मेस किसे बोलते हैं, मेस ऐसा क्लोज पाथ जिसको हम और डिवाइड नहीं किया सकता, द पॉसिबल द क्लोज पाथ विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेबल इज कॉल्ड मेस। देखिए यहां पर एक देखिए बक्सा दिख रहा है आपको, एक बड़ा सा बक्सा दिख रहा है, बड़ा सा बक्सा को मैं ए बी ए जो दो छोटे डिब्बों में बांट सकता हूं, लेकिन ये जो छोटे डिब्बे हैं, ये जो छोटे डिब्बे हैं उनको और छोटा कर सकता हूं क्या, मैं और कंप्रेस कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। तो ये जो छोटे क्लोज पाथ हैं जिनको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ऐसे क्लोज पाथ को हम बोलते हैं मेस। तो यहां पर देखिए ये जो छोटे वाले हैं ये दोनों ही हमारे क्या है, मेस है। कौन कौन से, ए बी ई एफ ए और बी सी डी E, B, ये ही दो हमारे क्या होंगे, मेस होंगे। तो यहां पर मेस कितने हो गए हमारे पास, दो हो गए। तो ये सब आपको नोट करना है, तो यहां तक नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके यहां तक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ पे हम बात कर रहे थे, इसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए जिसमें आप लोगों ने देखा कि हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, लूप क्या है, मेस क्या है, ब्रांच क्या है, जंक्शन क्या है ना। तो ब्रांच क्या है, जहां पर दो पॉइंट के बीच में, ये दो पॉइंट के बीच में कुछ भी चीज में कनेक्ट कर दिया, इसे बोलते हैं हम लोग ब्रांच। जहां पर दो ब्रांचेस आगे मिलती हैं उसे बोलते हैं हम लोग संधि, नोड। जहां पर तीन इस तरीके से, ये तीन है मान लेते हैं, तीन या तीन से अधिक मिलेगा उसको बोलेंगे जंक्शन, और जितने क्लोज पाथ हैं उसको बोलेंगे हम लोग लूप, और ऐसा क्लोज पाथ जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते उसे बोलेंगे हम लोग मेस। अब उसके बाद मैं बात करता हूं किरचॉफ लॉ के बारे में। तो किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी नोड इज जीरो, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय शून्य होता है। मैंने आपको कंसेप्ट भी दिया था, आप जाके घर में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए दो पाइप है, आप इसमें एक लीटर डाले, इसमें एक लीटर डाले, तो नीचे कितना निकलेगा, चार लीटर निकलेगा क्या, दो लीटर निकलेगा, एकदम सिंपल सी बात है। तो यही नियम है, इसी को लॉस बना दिया इसने, तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि नियम क्या है, कैसे करना है, ठीक है। नियम एकदम आसान चीज है, ये मान लेते हैं ये जो है, मान लेते हैं ब्रांच वन में इसमें आई वन करेंट हो रहा है, इसमें आई टू करेंट हो रहा है, यहां पर हमारा आई थ्री आ रहा है, और ये हमारा नोड है, ये नोड है हमारा। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी नोड इज जीरो, मतलब समेशन ऑफ करंट बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब करंट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये करंट, यहां से कौन सा करंट आ रहा है, आई वन करंट आ रहा है, यहां से कौन सा करंट आ रहा है, आई टू करंट आ रहा है, और यहां से बाहर जा रहा है। तो देखिए जो इनकमिंग है उसको एक डायरेक्शन मानते हैं, जो आउटगोइंग है उसको दूसरा डायरेक्शन मानते हैं। तो ये एल्जेब्रिक सम का मतलब हुई, मतलब आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, आई थ्री हो जाएगा, बराबर जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये है, इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिए इससे आगे मैं बढ़ता हूं, आपको बताया था मैं करंट बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, मतलब क्यू बाई टी वन मान लीजिए, इस तरीके से क्यू टू बाई टी प्लस माइनस Q3 by T बराबर जीरो, मान लेते हैं कि समय बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग, तो यहां पर देखिए I बराबर समय होना, पाई बराबर जीरो, तो यहां से I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर जीरो, तो यहां से Q1 by T होगा, Q2 by T माइनस Q3 by T इक्वल टू जीरो,
अब यहां से सब टी जो है यहां से निकल के यहां से कट जाएगा, तो क्या बनेगा यहां पर से Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बराबर जीरो। इसको मैं समेशन ऑफ क्यू बराबर भी जीरो लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो हमको बताता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग। मतलब क्या बोलता है ये, आवेश संरक्षण का नियम को हमें बताता है। देखिए यहां पर समेशन ऑफ क्यू बराबर जीरो, मतलब जितने चार्ज यहां से आ रहे हैं I1 से और I2 से, वही चार्ज यहां से I3 से पास हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज न तो जनरेट हो रहा है न ही नष्ट हो रहा है, जितना आया उतना गया, मतलब टोटल जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। अगर मैं इसको और सरल शब्द में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह में मूव नहीं होते हैं, वो केवल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो ये आपको बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन को बताता है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में बताया गया है, पूछा गया है कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है क्या डिटरमाइन करता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है आवेश संरक्षण के नियम को बताता है, आप इसको यहां नोट कर लीजिए। चलिए हम किरचॉफ के दूसरे नियम को देखते हैं। तो दूसरा नियम आप इस तरीके से नोट कीजिए इसको कॉपी में, किसी बंद जाल क्लोज्ड मेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या है आपको इस नोटेशन है आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको इस तरीके से डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा। आप इसको समझ के भी लिख सकते हैं, मैं आपको बुक में लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिखा दिया हूं। अब बुक में अगर आपको समझ नहीं आ रहा देखिए इसको क्या है, एकदम आसान चीज है ना। ये मान लेते हैं छोटा सा बंद परिपथ, अब यहां का वोल्टेज मान लेता हूं V है, यहां का रेजिस्टेंस R1 है, यहां का रेजिस्टेंस R2 है। अब इसमें ये करंट इस तरीके से ये I करंट यहां पर फ्लो है, पहले यहां तक आप इसको नोट कीजिए, एकदम आसान चीज है, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। देखिए ये जो है निगेटिव और ये पॉजिटिव, बड़ा प्लेट को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटा प्लेट को निगेटिव बोलते हैं, बैटरी है आप जानते हैं इसको, ये रेजिस्टेंस है। अब इसको ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरा बेस है, इसके बिना आपको कोई भी यूनिट बनता नहीं, कोई भी सब्जेक्ट बनेगा नहीं, है ना, इस चीजों के बिना किरचॉफ करंट लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपके जिंदगी भर काम आएंगे जब आप यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो निगेटिव से पॉजिटिव गैर इसको बोलते हैं हम लोग राइज, क्या बोलते हैं राइज, है ना राइज। और ये देखिए ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, मान लेते हैं आप यहां से आप हैं गाड़ी में बैठ के यहां से निकलते हैं यहां से ऐसे, तो अगर ऐसे आप जा रहे हैं तो ये प्लेन सड़क है, प्लेन सड़क में आपका क्या होगा स्पीड ज्यादा होगा, और ये देखिए ये उबड़ खाबड़ में क्या होता है स्पीड कम होता है, तो इसलिए ये वोल्टेज यहां पर ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा प्लस माइनस लेना है हमेशा आपको, ये V1 और ये इस तरीके से यहां पर V2 ड्रॉप हुआ। तो ये चीजें आपको नोटेशन को ध्यान रखना है, आपको चाहे कोई क्वेश्चन रहे दुनिया का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन रहे आपको केवल इन डायरेक्शन को एक डायरेक्शन को फॉलो करना है फिर आपसे बनेगा। देखिए कैसे माइनस टू प्लस जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, कम से ज्यादा जा रहा है, तो कम से ज्यादा जा रहा है इसलिए बोलते हैं इसको प्लस V1 राइज, और यहां देखिए प्लस से माइनस ज्यादा से कम हो रहा है, मेरे पास अभी 10 रुपए थे कम हो गया 8 रुपए हो गए कम हो गया तो उसको बोलते हैं ड्रॉप, तो ये माइनस I इंटू R बराबर वोल्टेज होता है माइनस ये V1 और ये माइनस V2 बराबर जीरो। अब देखिए V1 मतलब क्या होगा ओम के नियम से I इंटू R, तो I इंटू R1 माइनस I इंटू R2 बराबर जीरो, तो यही तो किरचॉफ्स लॉ है,
किरचॉफ का देखो इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, इसका मतलब क्या है, किसी बंद परिपथ में जो क्लोज्ड मेस है उसमें जितना वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, उसके ड्रॉप के बराबर होगा। देखिए ये वोल्टेज से ही ये करंट यहां से चलने वाला है, यही करंट इस पूरे परिपथ में इस तरीके से इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो जितना एनर्जी ये देगा उतना ही एनर्जी ये लेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये V माइनस समेशन ऑफ आई आर बराबर जीरो, यही हमारा क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। मतलब किसी ये V मतलब विद्युत वाहक बल और ये I इनटू R मतलब होता है संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणित योग हमेशा शून्य। या ऐसा बोल सकते हैं वोल्टेज बराबर होगा किसके, उनके ड्रॉप। जैसे यहां पर मान लेता हूं 10 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है, तो 2 और 8 मिलकर 10 होंगे ना, जितना दूंगा उतना ही तो मिलेगा ना, यहां पर बटेगा। जैसे आपने आपको करंट लॉ बताया था, जितना आपने करंट दिया आई वन और आई टू से उतना ही करंट आपका आई थ्री में निकला। जैसे इस तरीके से हमने देखा है आई वन और आई टू में देखे, आई वन आई टू यहां से जितना करंट देंगे उतना ही करंट निकलेगा और जितना वोल्टेज हमने दिया उतना ही वोल्टेज इसमें सप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां से देखिए वोल्टेज बराबर मैं आपको बता चुका हूं डब्ल्यू बाई क्यू, तो ये वी माइनस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वन बाई क्यू माइनस डब्ल्यू टू बाई क्यू, यहां से समीकरण से देखिए यहां से बराबर जीरो, समीकरण नंबर दो समीकरण नंबर एक। तो समीकरण एक से वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, V बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, तो ये देखिए V डब्ल्यू बाई क्यू इस तरीके से। अब Q से Q कट जाएगा, समेशन ऑफ W देखिए वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, अब हम ये भी जानते हैं वर्क इक्वल टू, देखिए ऐसे कर सकता हूं इसको W माइनस डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू बाई टी। अब W बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये एनर्जी है, क्या बोल सकता हूं ये वर्क ही क्या है हमारा, वर्क एनर्जी है, तो इसको एनर्जी समेशन ऑफ एनर्जी बराबर जीरो में लिख सकता हूं। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग संरक्षण, इसका ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्या है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। तो समेशन ऑफ वर्क बराबर जीरो आ रहा है, देखिए यहां पर तो वर्क बराबर जीरो है, एनर्जी बराबर जीरो है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही हमारा ऊर्जा कहलाती है, दोनों का फार्मूला भी सेम है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, तो ये पूरा आपका डेरिवेशन होगा। अगर इसको आप पूरा लिखते हैं तो आपको डिप्लोमा सी एस वी टी चाहे कोई भी एग्जाम रहे आपको फुल एंड फुल नंबर मिलेंगे, कि किरचॉफ्स का नियम क्या है, इसको नोट कर लीजिए यहां तक, ठीक है। तो ये वो आपका होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैं इंग्लिश मीडियम वाले पे भी एक बार बोल दे रहा हूँ, आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं इसको इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ एंड रिस्पेक्टिव ड्रॉप, एल्जेब्रिक सम इज जीरो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज एंड टोटल ड्रॉप इज जीरो, इस तरीके से भी आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन, देखिए ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है R1 और एक दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा R2। अगर ये देखिए ये रेजिस्टेंस वन का ये पहला सिरा होगा या दूसरा सिरा होगा, इसका ये पहला सिरा दूसरा सिरा होगा, जब हम इसके दूसरे सिरे को पहले सिरे से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे को जब पहले सिरे से जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम, क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। जब दूसरे सिरे को पहले सिरे से जोड़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। देखिए इसके बारे में कैसा होगा, तो जब सीरीज जोड़ते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस रहता है आर वन प्लस आर टू। अब इसको हमको प्रूव करना है, देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, मान लेते हैं इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिए हैं, दो रेजिस्टेंस हमारे पास, रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत सारे, मान लेते हैं रेजिस्टेंस हमारे पास ये इस तरीके से एक दो और एक तीन रेजिस्टेंस हमारे पास आर टू और ये हमारा आर थ्री। अब मैं इसको एक बैटरी से जोड़ देता हूं, इस
तरीके से प्लस माइनस बैटरी से जोड़ दी। अब देखिए यहां पर प्लस माइनस ए इसका हो गया वोल्टेज हमारा ये वी हो गया। अब ये यहां से जो करंट निकल रहा है मान लेते हैं हाई करंट निकल रहा है, हाई करंट इस तरीके से निकल रहा है यहां पर, ये हाई करंट निकल रहा है तो ये यहां से गया तो ये प्लस और ये माइनस वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं ये वी वन है। इसी तरीके से ये आगे गया करंट इस तरीके से यहां से ऐसा फ्लो रहा है करंट ये आई करंट, तो ये आई करंट ये प्लस और ये माइनस यहां से हो जाता है वी टू और यहां से ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा वी थ्री। तो अभी मैंने आपको बताया है कि चार वोल्टेज ब्लॉक में कि टोटल वोल्टेज वी बराबर क्या हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बराबर जीरो। या आपको इसको और लगाना सिखा देना है, देखिए निगेटिव से पॉजिटिव गया, देखिए रीड से धन गया तो मैं आपको बोला था राइट, तो राइट का क्या हो जाएगा हमारा वी प्लस हो जाएगा। अब यहां पर प्लस से माइनस जा रहा है तो प्लस से माइनस होता है ड्रॉप इसलिए माइनस वी वन। अब यहां देखिए प्लस अपने ऐसे चलना चालू कर रहे हैं तो ये प्लस फिर माइनस तो ये माइनस क्या हो जाएगा वी टू। इस तरीके से यहां प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस वी थ्री बराबर छह, यहां तक क्लियर है। अब यहां से हम ओम के नियम से कह जाते हैं वी माइनस आई इंटू आर वन माइनस आई इंटू आर टू माइनस आई इंटू आर टू, थोड़ी जो सीरीज में करंट सेम होगा वही जगह बटने का रास्ता ही नहीं है। अगर आपके पास अगर मैं बोलूं यहां से आपको चलना है तो आपको यहां से लेकर यहां तक एक ही रास्ता है ना, एक ही रास्ता यहां से आपका कोई रास्ता है तो करंट के लिए भी एक ही रास्ता है तो करंट सेम होगा। तो याद रखिए सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है आई इसके सच पर आई सबसे काम हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहां से अगर इस आई को यहां ट्रांसफर करता हूं तो ये वी बाई आई हो जाएगा बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब वी बाई आई को ओम्स का नियम से हम जानते हैं ये आर तो ये हो जाएगा आर टोटल या तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो अगर n रेजिस्टेंस मान कर देखिए तीन रेजिस्टेंस के इस तरीके से हो जाएगा, मतलब क्या करना है सीरीज में रेजिस्टेंस का अगर हमको कॉम्बिनेशन करना है तो केवल उसको जोड़ देना है। जैसे मैं बोलूं आपको जैसे कुछ एग्जांपल के लिए अगर बोलता हूं कि आर वन आर वन आर टू एंड आर थ्री एंड सो ऑन आर एन इस तरीके से सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस इसका जो है आर टोटल आर या आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन आर एन सबको आपस में जोड़ देंगे। अब इफ आर वन बराबर आर टू बराबर आर थ्री बराबर आर एन बराबर आर के बराबर तो सब आर के बराबर है तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा जब आर प्लस आर प्लस आर एन टाइम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। अब मैं इसको यहां तक नोट कर लीजिए, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं यहां तक नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहां पर ये वन ओम का दिया है ये टू ओम का दिया है थ्री ओम का दिया है वन ओम टू ओम और ये थ्री, तो अगर आपको आर टोटल निकालना क्या करेंगे आप लोग देखिए आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीनों को सम वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स ओम आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान चीज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि सही कर रहे हैं आपको सही हो जाएगा तो आपको इस तरीके से बताना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर टू। अब देखिए दो ओम के एक दो तीन रजिस्टर कनेक्टेड है तो मैं आपको बताया हूं कि एन रजिस्टर यदि सेम है तो एन टाइम्स ऑफ आर होता है। तो देखिए यहां पर एन टाइम्स ऑफ आर मतलब एक दो और तीन बार कौन आया है मेरा एन का मान तीन है और तीन बार रजिस्टर का मान कितना है दो और तीन में छह ओम है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दो प्लस दो प्लस दो तब भी छह मतलब है इसको मैं शॉर्टकट कर दिया तो ये हमारा शॉर्टकट पार्ट हो गया था। अगर सेम रेजिस्टेंस है तो आप सेम रेजिस्टेंस है तो एन टाइम्स ऑफ आर इस तरीके से निकाल सकते हैं तो आप इसको इस तरीके से नोट कीजिए आप हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अगला जो हमारा कनेक्शन है उसके बारे में वो है हमारा समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए कैसे करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल
कॉम्बिनेशन ये क्या है समांतर क्रम में संयोजन। देखिए समांतर क्रम में संयोजन करना है मेरे को तो देखिए यहां पर कैसे होता है। अब ये एक रेजिस्टेंस है ये दूसरा रेजिस्टेंस है आप इसके ये पहला सिरा दूसरा सिरा पहला सिरा दूसरा सिरा अगर मैं इसके एक सिरे को कॉमन कर दूं इस तरीके से एक सिरे को इस तरीके से कॉमन कर दूं ये है ना दूसरे पहले को पहले के साथ जोड़ दिए दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए एकदम आसान है अब ये मान लेते हैं इस तरीके से ये है हमारा ये आई मान लेंगे इस तरीके से दो रेजिस्टेंस है इसको पैरेलल में एड कर दिए हैं और ये हमारा इस तरीके से ये प्लस माइनस वोल्टेज आर वन और ये हम मान लेते यहां से करंट आई जा रहा है तो आई यहां से आएगा तो इसके दो रास्ते हैं तो यहां पर ये आई वन निकलेगा और यहां पर ये आई टू दो रास्ते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो रास्ते हैं तो आप तक किसी का मन करेगा देखिए किसी का मन करेगा एक आदमी यहाँ ये दो आदमी है यहाँ पर एक आदमी और एक आदमी तो ये करंट मान लेते हैं तो एक आदमी का मन क्या यहाँ से चला गया इस आदमी का मन क्या यहाँ से चला गया जिसका जहां से मन जाता है हो सकता है जा सकता है तो यहीं पर इसलिए आपको दो रास्ते इसलिए इस तरीके से तो आपको इस तरीके से याद रखना है आप उसके बाद देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है जैसे जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज होगा वोल्टेज और करंट की बात करते हैं तो समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। वोल्टेज इज लाइक मदर ऑफ द फैमिली मदर ऑफ द फैमिली है ना मदर की तरह होती है वहां बच्चे को कभी अलग अलग ट्रीट नहीं करते उसके लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। तो देखिए यहां पर आर वन आर टू जितने भी हैं इतने मैं यहां पर आर थ्री कनेक्ट करता हूं इस तरीके से तो जितने भी मैं पैरेलल में लगाऊंगा सबको वोल्टेज सेम होगा। माँ कभी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते उसी तरीके से पहले में वोल्टेज सेम होता है तो आप इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। अब देखिए करंट जो है सीरीज में सेम होता है जैसे देखिए है ना आप एक घर में आप इस चीज को अच्छा से महसूस करते हैं जब तक मम्मी है घर में बच्चे कुछ भी करते रहते हैं है ना लेकिन जैसे ही पापा आए तो ऐसे पुस्तक लेकर पढ़ना नहीं तो मार पड़ी है ना तो क्या करते हैं हम लोग सबके साथ सीधे रहते हैं इस तरीके से तो सीधे जब रहते हैं ये सीधा मतलब श्रेणी क्रम तो श्रेणी क्रम में करंट सेम हुआ तो करंट फादर इज लाइक है ना करंट सोर्स करंट इज लाइक फादर ऑफ द फैमिली फादर ऑफ द फैमिली इस पे आ गए। अब ये ठीक है तो करंट जो है सीरीज में सेम रहेगा सीरीज में और वोल्टेज इसमें रहेगा पैरेलल में सेम रहेगा ठीक है इसको याद रखना है तो देखिए आगे बढ़ बता रहा हूं आगे तो यहां से आई थ्री तो यहां से अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ लगाऊं इस नोट पे तो क्या हो जाएगा टोटल करंट आई माइनस आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री बराबर ये आई वन जा रहा है ये तो पक्के लोग जा रहे थे अभी मैंने आपको बताया किरचॉफ करंट लॉ तो यहां से देखिए आई बराबर कर सकता हूं यहां से ओम के नियम से क्या होता है आई बराबर वी बाई आर तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा आई वन प्लस I2 plus I3 और ये V by R जो होता है I बराबर तो ये V by R1 plus V by R2 plus V by R3 मैं आपको बता चुका हूँ पहले का वोल्टेज सेम है तो यहाँ से I by V करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 तो इसका उल्टा कर लीजिए यहाँ से R बराबर क्या हो V by I तो यहां से 1 by R करेंगे क्या हो जाएगा आई बाई बी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आई बाई बी के लिए कर सकता हूं 1 by R ओम के नियम से 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो उसको 1 by करके हमको जोड़ना है ठीक है। अगर n रेजिस्टर मान लेते हैं R1 बराबर R2 बराबर R3 एंड सो ऑन 1 by Rn पैरेलल में तो क्या हो जाएगा 1 by R टोटल बराबर 1 by R1 plus 1 by R2 and so on, 1 by Rn. If all equal, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 and so on, Rn के बराबर है, तो क्या हो जाएगा आपका? R total equal to R by N.
इसको आपको याद रखना है। तो ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से एक टेबल बना लीजिए जिसे हम मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ सीरीज क्रम में, सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में कैसे डिफरेंस होता है। देखिए सबसे पहले डायग्राम देखिए इस तरीके से बनेगा सीरीज में, इस तरीके से रेखा में, ये आर वन और आर टू आर थ्री एंड सो ऑन आर एन, इस तरीके से अगर हमारे जुड़ा है ये आर एन, इस तरीके से ये ऐसा डायग्राम बनेगा सीरीज में। पैरेलल में कैसा डायग्राम बनेगा, इस तरीके से बनेगा आपका डायग्राम, इस तरीके से डायग्राम बनेगा, इस तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके से डायग्राम बनेगा आपका ये और ये। इसमें एक सिरा जो है कॉमन रहता है इसमें। यहां पर फार्मूला क्या आएगा, आर टोटल बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन आ रहे हैं। इफ सब इक्वल है, आर वन बराबर आर टू एंड सो ऑन, आर एन बराबर आर है, सब बराबर है, तो आर टोटल बराबर क्या आ जाता है, एन एन सब आर। ये यहां पर आपको याद रखना, यहां पर क्या रखा आपको वन बाई करके जोड़ना है इसको, वन बाई आर टोटल बराबर वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री एंड सो ऑन वन बाई आर। यहां पर अगर सब बराबर है, इफ ये आर वन बराबर आर टू बराबर बराबर है, इफ आर आर इक्वल देन आर टोटल बराबर एन आर बाई एन। ठीक है, यहां पर कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन देखिए, यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल से लेकर बता रहा हूं आपको। जैसे ये तीन ओम का है और ये छह ओम का है, तो टोटल यहां पर कितना हो जाएगा, आई टोटल बराबर तीन धन छह बराबर, और यहीं पर यदि तीन और छह ओम है, अब आपको पूछेगा कि यहां पर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, तो आप कैसे करेंगे, वन बाई आर बराबर वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स, एलसीएम आ जाएगा सिक्स, और सिक्स से यहां पर टू जा प्लस वन जा वन बाई आर, तो वन बाई आर इक्वल टू कहा जाएगा थ्री बाई सिक्स बराबर वन बाई टू, यहां से आर का मान कितना जाएगा टू, आर का मान यहां कितना जाएगा टू, यहां कितना आएगा देखिए आर टोटल का मान यहां पर कितना है नौ। मतलब यहां पर क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, ज्यादा से भी ज्यादा, ज्यादा से भी ज्यादा, अगर देखिए ध्यान से यहां पर तीन और छह है तो छह सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा से भी ज्यादा आंसर आएगा यहां पर, ज्यादा से भी ज्यादा। और यहां पर ध्यान देना है आपको, पहले में देखिए तीन और छह है, आंसर आ रहा है टू, मतलब कम से भी कम, कम से भी कम, कम से भी कम। तो ये इसका ट्रिक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका पैरेलल में सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी आपका मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उससे हमेशा कम रेजिस्टेंस इसका फाइनल आंसर होगा, और यदि सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी ज्यादा आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इस टेबल को आपको याद रखना, टेबल बना लीजिए अच्छे से। चलिए आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछ जाएंगे, है ना, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये न्यूमेरिकल है, तो जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं, जब भी इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, आप जहां से पूछ रहे हैं वहां से करंट भेज दीजिए, निकालने का तरीका सिखा रहा हूं, देखिए यहां से करंट भेज दीजिए और जहां पर आपको वापस जाना है उसको वहां तक इस तरीके से निकालेंगे। करंट जहां पर सेम है तो वो सीरीज कनेक्शन होगा बाय डिफॉल्ट, तो सीरीज में यहीं पर कहीं पर बट रहेगा करंट नहीं, तो सब सीरीज कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो यहां से आर ए बी जो है क्या हो जाएगा आपका टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, तो टू प्लस थ्री फाइव और फाइव टेन और फोर फोर्टीन ओम इसका करेक्ट आंसर होगा, एकदम आसान है, सबको जोड़ दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए यहां से करंट भेजेंगे, यहां से करंट भेजेंगे यहां से, यहां पर दो रास्ते हैं इसके पास, उसके बाद ये दो रास्ते यहां से आके मिलेंगे फिर यहां पर, मतलब जहां पर करंट बटा वो होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल है मतलब देखिए चार और ये चार, ये चार और ये चार समांतर क्रम में है,
समांतर क्रम में रहता है, देखिए दोनों बराबर है तो आर बाई एन बताया था, तो आर मान लेते हैं यहां से इसका आर वन मान लेते हैं, इसको यहां से जो रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलते हैं आर वन, यहां से साल साल करना चालू करते हैं लोग हमेशा पीछे से, यहां से जरा चार घटे कितने बार है, दो बार है, चार घटे दो घटे कितना हो गया दो ओम। तो ये जो सर्किट है इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया दो ओम, और इस जो सर्किट है इसके जगह मैं लिख सकता हूं इन दोनों की जगह एक दो ओम का रजिस्टर, ये दो ओम, ये दो ओम का है और ये हमको यहां से निकालना है आर ए बी, तो यहां से फिर से करंट भेजिए आप इस तरीके से सेम है, इसलिए आर टोटल बराबर यहां का हो जाएगा टू प्लस टू इक्वल टू फोर ओम, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, समझ में आया ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपको बनाना है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को हमेशा फिर से वही करेंट है कंसेप्ट में, करेंट यहां से भेजिए करेंट आई, करेंट आई भेजेंगे यहां से भेजेंगे, दो रास्ते भी इसको मिले, दो रास्ते मिले इसको, तो दो रास्ते मिले तो क्या हो जाएगा, ये आई ये और ये किसमें है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में वन बाई आर बराबर क्या होता है वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स, तो ये कितना देगा वन एलसीएम सिक्स, टू प्लस वन वन बाई आर बराबर थ्री बाई सिक्स वन बाई टू, तो वन बाई टू हो गया, यहां से आर का मान कितना आ गया टू के बराबर आ गया, तो इन दोनों की जगह फिर से क्या लगता है ना, ये दो और ये दो, दो और ये दो और ये कितना हो जाएगा दो और दो चार ओम का रेजिस्टेंस यहां पर हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, ये दोनों किसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में है तो देखिए पैरेलल में है तो इस तरीके से इसको जोड़ देंगे है ना, जोड़ने के बाद ये इसके साथ ये किसमें आएगा श्रेणी क्रम में आएगा, अब ये दो और दो किसमें है श्रेणी क्रम में, दो और दो कितना हो गया चार, तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में सॉल्व करने आना चाहिए। मैं आपको और डिटेल में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सके, कम से कम हम लोग बहुत इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो सके। आप क्या कीजिए, आपके पास ट्वेल्थ का बुक है, ट्वेल्थ के बुक में आपके पीछे साइड में क्वेश्चंस दिया हुआ है, जितने क्वेश्चन है करने की कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बनता आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए या अपने ग्रुप में भेजिए है ना, जो ग्रुप है उसमें, जिससे मैं आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकूं और जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसके बताऊंगा जिसमें हम लोग करंट निकालना वोल्टेज निकालना भी सीखेंगे। पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं, सर्किट का बेसिक यही है कि आप यदि रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं उसके बाद वोल्टेज उसका करंट इस तरीके से सीक्वेंस भी चलता है तो ये आपको आसान लगेगा। और डेली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए और नोट्स बनाइए, आप लोग जितना वीडियो है वीडियो को पॉज कर लीजिए बीच में और उसको नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना नहीं मार रहे हैं तो उसमें भेजना है आपको। चलिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।